Good morning, dear students. Yesterday we discussed profit and loss appropriation account. इसका मीनिंग बच्चों कल हमने कर लिया था, इसका फॉर्मेट हमने कर लिया था, इसकी जर्नल एंट्रीज रहती है, मैंने कल भी कहा था. वो आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद शायद कल के लेक्चर में करवाई जाएगी कि जर्नल एंट्रीज कैसे है, और जर्नल एंट्री के बाद ही आपको लॉजिक क्लियर होएगा. बेटा एक ध्यान रखना कि जो बातें यहाँ पे सिखाई जा रही है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताई जा रही है, आपने साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. और अगर किसी बच्चे को कहीं डाउट है, कोई क्वेरी है, मैंने बेटा अपने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इन द इवनिंग 4 to 5:30, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा. ओके, वी स्टार्ट. बच्चों आज का टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स. जैसा कि मैंने कल कहा था कि इस चैप्टर में जो फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं, ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट्स की अगर बात करें बच्चों, कल मैंने कहा था इन पार्टनरशिप फर्म सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर. हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग से ओपन होएगा. सपोज देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, एज कैपिटल अकाउंट अलग से ओपन होएगा और बीज कैपिटल अकाउंट वो अलग से ओपन होएगा. अब क्वेश्चन ये कि कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है. देर आर टू मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. कोई भी पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई भी मेथड फॉलो कर सकती है. आज हमने ये दोनों ही डिस्कस करने हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड. बच्चों जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, फिक्स कैपिटल मेथड. अंडर दिस मेथड द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रिमेन फिक्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस. फिर रिपीट कर रहा हूं, बैलेंसेस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स रिमेन फिक्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड by any partner or capital is withdrawn by any partner. Means अगर कोई partner ना तो additional capital लगाता है और ना ही वो capital withdraw करता है, तो उसकी capital का balance fix रहेगा, constant रहेगा throughout the life of the business. For example, A की capital 1 lakh, B की capital 80,000. Suppose दो partners हैं, दोनों में से किसी ने भी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की, दोनों में से किसी ने भी कैपिटल विड्रॉ नहीं की, तो ए की कैपिटल का बैलेंस 1 lakh है तो 1 lakh ही रहेगा फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस. और बी की कैपिटल का बैलेंस कितना रहेगा, 80,000. इस मेथड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस चेंज हो सकते हैं इन टू केसेस. अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. सपोज ए की कैपिटल 1 lakh है, 30,000 इसने और इन्वेस्ट किए, तो नेचुरल है कि कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई, 130 बढ़ी. बी की कैपिटल है 80, इसने 20 इसमें से विड्रॉ कर लिए, कोई फैमिली प्रॉब्लम है इसने अपना पैसा निकाल लिया, तो ऑब्वियस है कि इसका बैलेंस कितना रह गया, 60. ऐसा नहीं है कि इस मेथड में कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा, हो सकता है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. Normally, the balance of partner capitals will remain fixed. But so I think meaning clear ho gaya. Agli baat hai ki under this method, two accounts are opened for every partner. Har partner ke liye humne do account banane hai. Number one capital account and number two current account. Jaise board pe aap format dekh rahe ho, do partners maine liye A aur B. हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन होएगा और हर एक पार्टनर का करंट अकाउंट बच्चों अलग से मेंटेन होएगा. टू अकाउंट्स आते हैं, दोनों का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट्स फॉर्मेट. बच्चों बना लो कि डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, दो से ज्यादा पार्टनर है तो हर पार्टनर के लिए कॉलम अलग से बनेगा. अब बनाना कैसे है बच्चों, प्लस में भी आपने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा है,
opening balance by balance brought down at the beginning of the year. That is first step है 2019. A का 80,000 है और B का है 60,000. यहाँ पे A ने additional capital लगाई है. कब लगाई है? 1st October. बच्चों आपको journal entry आती है कि अगर कोई partner capital लगाता है, यहाँ पे A ने additional capital लगाई है. कितनी लगाई है? 10,000. What will be the journal entry? सोचो. Journal entry होएगी bank account debit to A's capital account. Bank account debit to A's capital account. और बच्चों अगर हम इसकी posting करें तो posting कहाँ पर होएगी? Credit side by bank account. How much? 10,000. Ledger posting आपको आती है, lesson में आपने सीखी है. तो 80 और 10 हो गया 90 और इसकी capital का balance कितना हो गया? 90. बढ़ गया. बढ़ नहीं था, additional capital लगाई है तो बढ़ेगी. B का status check करते हैं. Opening balance है 60,000. अब इसने 1st October को A ने तो additional capital लगाई थी, लेकिन B क्या कर रहा है? B 1st October को capital withdraw कर रहा है. कोई family problem है, कोई personal problem है. उसने कितना withdraw किया? 10,000. बच्चों अगेन, जब वो 10,000 withdraw करेगा, what will be the journal entry? B's capital account debit to bank account. आपने प्लस में पढ़ा है अमेरिकन अप्रोच. कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. और कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंट्री मैंने क्या बताई? B's capital account debit to bank account. तो पोस्टिंग होगी डेबिट साइड. अब बैलेंस देखते हैं. 60, 10 उसने विड्रॉ कर लिए, बैलेंस कितना रह गया? 50. अब आगे हम बात करते हैं करंट अकाउंट्स की. बच्चों करंट अकाउंट्स में देखिए, हर पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन होएगा किस मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड. सबसे पहले करंट अकाउंट में भी आपने क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है. वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है. एज द केस में भी क्रेडिट है क्रेडिट साइड और डेबिट है किसी पार्टनर का तो डेबिट साइड. बच्चों करंट अकाउंट को बनाने का क्राइटेरिया क्या है? अभी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का रूल बताया. प्लस वन में आपने पढ़ा है कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्रेडिट और कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट. बच्चों हम ये जो करंट अकाउंट बना रहे हैं, बना तो रहे हम करंट अकाउंट, लेकिन आपने अपने माइंड में इसको कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है. एक्चुअल में ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, बस वो हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं. कैपिटल को हमने छेड़ना नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमने अलग से अकाउंट बना लिया. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टनर्स को. करंट अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पार्टनर्स को. दिस इज पर्सनल अकाउंट एंड दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट. तो बना हम रहे हैं बच्चों करंट अकाउंट, और माइंड में हमारा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रहेगा कैपिटल अकाउंट वाला. मींस अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपको लगता है कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपने क्रेडिट करना, और अगर आपको लगता है किसी ट्रांजेक्शन से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो आपको उसको क्या करना है? डेबिट. सेम क्राइटेरिया. अब देखो बच्चों, इफ यू रिमेंबर कल जो मैंने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी डेबिट में कुछ आइटम्स मैंने कल दिखाई थी. पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, किसी पार्टनर को हमने सैलरी दी है, किसी पार्टनर को हमने कमीशन दिया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को सैलरी दी है, किसी पार्टनर को कमीशन दिया है, और लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया था, डिविजिबल प्रॉफिट हमने डिवाइड भी किया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है. ये सब कुछ हमने पार्टनर्स को कैश में नहीं देना, बल्कि ये सभी आइटम कहां जाएगी? उसके कैपिटल अकाउंट में चली जाती है. हम उसकी कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये फिक्स कैपिटल मेथड है, आप कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो ये सारी आइटम हम कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट. अब क्वेश्चन ये है कि करंट अकाउंट में डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, तो क्राइटेरिया देखना है. किसी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, नकद नहीं दे रहे, कैश में नहीं दे रहे, उसकी कैपिटल में करंट अकाउंट में मर्ज कर रहे हैं,
तो किसी पार्टनर को आप कुछ देते हैं तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी. दिस आइटम दिस आइटम एंड दिस आइटम. अगर पार्टनर को इनमें से कुछ भी दिया जाता है तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. और क्योंकि इनसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट. लेकिन कैपिटल को क्रेडिट ना करके हम किस में क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट, ड्यू टू फिक्स कैपिटल मेथड. अब यहां पे देखें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सपोज ओपनिंग बैलेंस 10,000, इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया सपोज 3,000, 1,000 सैलरी दी है, 500 कमीशन दिया, और जो प्रॉफिट हमने कल डिवाइड किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें हम क्या दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सपोज अगेन 1,000. तो जो भी आपने देना है उसको हम करंट अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट. क्रेडिट क्यों करेंगे, लॉजिक आपको बता दिया, क्योंकि ये वो आइटम है जिनसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी. क्लियर है बच्चों? अब बारी आती है डेबिट साइड. अब आपने सोचना है कि कोई आइटम ऐसी तो नहीं जिससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. अगर किसी आइटम से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम कहां पे शो करेंगे, डेबिट साइड. ड्रॉइंग्स के बारे में बच्चों आपने पढ़ा है कि अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी है तो इससे कैपिटल इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, ऑब्वियसली रिड्यूस होएगी, तो कहां पर लिखेंगे, डेबिट. कलेक्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, के पार्टनर ने जो ड्रॉइंग्स करी है उस पर फर्म क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट. पार्टनर से नगद नहीं लेना है, कैश भी नहीं लेना, उसकी कैपिटल में से हम डिडक्ट कर देते हैं. तो चाहे ड्रॉइंग्स है चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये दोनों आइटम ऐसी हैं जिससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना नहीं है. क्यों, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स. तो डेबिट कहां पर करेंगे, करंट अकाउंट. ओके स्टूडेंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस. फर्म में बच्चों जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट मैंने कल बताया था कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां से फिर वो कहां जाता है, इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको मिल गया 1,000. बाय चांस फर्म में इस साल नेट प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि नेट लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया 5,000. तो बच्चों नेट लॉस के केस में नॉर्मली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. अगर नेट लॉस होता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिक ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है. कल मैंने कहा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, ऑल दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड दीज आर प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, अदरवाइज नॉट. अगर नेट लॉस है तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, और जब किसी पार्टनर को कुछ मिलेगा ही नहीं तो नॉर्मली फिर हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. नेट लॉस कब आएगा, जब ये डेबिट साइड एक्सीड करेगी. सपोज डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, और यहां पे ये बैलेंस आ गया 5,000, जिसको मैं कह रहा हूं नेट लॉस. अब इस केस में क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट बजाय इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाने के, ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट यहीं से कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो. और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ये 5,000 क्या शो कर रहा है, ये पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. तो पी एंड एल अकाउंट क्लोज करने के लिए हम पी एंड एल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट. तो डेबिट किसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. फिलहाल तो हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो डेबिट किसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट को नहीं, करंट अकाउंट. ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सपोज 3:2, तो 3,000 एंड 2,000. तो बच्चों इस एंट्री की हमने पोस्टिंग करी है, करंट अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग कहां पर होगी, डेबिट साइड. बच्चों करंट अकाउंट के आइटम्स लगभग मैंने डिस्कस कर लिए, क्राइटेरिया एक ही है, जिन आइटम से कैपिटल एनहांस होएगी, क्रेडिट, वही कैपिटल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, और जिनसे कैपिटल कम होएगी उनको क्या करेंगे, डेबिट.
ये मैंने आपको बता दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट है इधर, कैपिटल बढ़ेगी, और अगर शेयर ऑफ लॉस है तो फिर वो आएगा इधर। अब हमने बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग हम कर सकते हैं बच्चों, करंट अकाउंट का जब हम बैलेंस निकालते हैं तो टोटल किस साइड का ज्यादा है, किसी भी साइड का ज्यादा सकता है, टोटल यहां का भी ज्यादा मिल सकता है, टोटल यहां का भी ज्यादा मिल सकता है। मींस किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। बच्चों जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में क्या होगा, हम कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस भी शो करेंगे और करंट अकाउंट्स के बैलेंस भी बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। कैसे शो करेंगे वो भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आपको पता लग जाएगा कि करंट अकाउंट है क्या। देखो बेटा ये बैलेंस शीट है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट्स की नजर डालो, ए की कैपिटल का बैलेंस, बी की कैपिटल का बैलेंस, ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है 90 और बी की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 50। बच्चों एक बार और दोबारा क्लियर कर देता हूं कि यहां पे देखो कैपिटल्स के बैलेंस चेंज हो गई, 80 से 90 हो गया और 60 से 50 हो गया। हो सकते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल के बैलेंस चेंज हो सकते हैं अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दो ही हैं, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है कैपिटल बढ़ेगी, अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है ऑब्वियस है कैपिटल कम हो जाएगी, अगर कोई पार्टनर ना तो एडिशनल कैपिटल लगाता है ना ही कैपिटल विड्रॉ करता है तो फिर कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम। इसी क्वेश्चन में अगर ये एडिशनल कैपिटल ना होती, कैपिटल विड्रॉ ना होता तो क्लोज जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस आना, दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट्स पे नजर डालो, कैपिटल अकाउंट्स की बात मैं दोबारा कर रहा हूं बच्चों, ये बैलेंसेस मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा था। तो कैपिटल का बैलेंस देखो, ए की कैपिटल का बैलेंस 90 है, बी की कैपिटल का बैलेंस 50 है, ये कौन सा बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है। कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ए बी 90 50 टोटल हो गया 140। अब मैंने करंट अकाउंट्स की बात करनी है कि बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे। बच्चों करंट अकाउंट का जो बैलेंस आ गया वो बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे, एसेट में या लाइबिलिटी में। करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट में भी जा सकता है, लाइबिलिटी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है वेदर इट हैज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सपोज यहां पर देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ए का करंट अकाउंट में बना रहा हूं, टोटल क्रेडिट का ज्यादा है, बाई चांस डेबिट का टोटल कम है, बैलेंस कितना आ गया 1000। ये करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो ऑब्वियस क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस होने के कारण कहां जाएगा, लाइबिलिटी में। इज करंट अकाउंट क्या शो कर रहा है, लाइबिलिटी, फर्म के लिए लाइबिलिटी। अगर ए आज के दिन फर्म छोड़ के चला जाता है तो 90,000 तो उसकी कैपिटल है जो हमें वापस करनी पड़ेगी, और 8,000 ये भी है उसके जो फर्म को वापस करनी पड़ेगी। ये पैसा किसने लगा रखा है, ए ने, और ये पैसा भी किसने लगा रखा है, ए ने। फर्म के लिए ये भी लाइबिलिटी है और फर्म के लिए ये भी लाइबिलिटी है, और कौन सी लाइबिलिटी है बच्चों, इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल। प्लस वन में टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि लाइबिलिटी में भी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आएगा ड्यू टू क्रेडिट बैलेंस। बी के करंट अकाउंट में देखो, यहां पे मामला अपोजिट है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, बैलेंस आ गया 2000। अब देखो बच्चों बी के करंट अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, दिस इज डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट एक्सीड कर रही है, तो डेबिट बैलेंस होने के कारण ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बीज करंट अकाउंट 2000। मींस फर्म ने बी से 2000 लेनी है, ये उसकी कैपिटल है 50 जो फर्म ने उसको देनी है वापस जब भी वो पीट करेगा जाएगा, लेकिन फर्म ने उससे लेनी भी है और कितने लेने हैं 2000। तो बच्चों कंक्लूजन ये निकलता है कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स रिमेन फिक्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस
unless additional capital is introduced by the partner or capital is withdrawn by the partner. Under this method, we maintain two accounts for each and every partner, capital account and current account. Under this method, capital account will always show credit balance, but current account may show debit balance as well as credit balance. Debit balance aata hai asset, aur credit balance agar aata hai to bachcho liability. This is all about fixed capital method. I think bachcho kuch clear hua hoga. वैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होएगा तो उसके अगले लेक्चर में, कल या परसों, मैंने करवानी जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज ही लॉजिक है, वही बेसिक. जब तक हम हर स्टेप की जर्नल एंट्री नहीं सीखेंगे तो रट्टा है. और बच्चों आपको पता है कि अकाउंटेंसी इज लॉजिकल सब्जेक्ट, रट्टे से नहीं आएगी. अब बारी आती है सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इसके बारे में डिस्कस करते हैं. बच्चों 10 सेकंड में ब्रेक ले रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. बच्चों फ्लक्चुएटिंग का मतलब फ्लक्चुएट, और फ्लक्चुएट का मतलब होता है वेरी करना, चेंज होना. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब क्या, इसके नाम से ही क्लियर है. अंडर दिस मेथड द बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. द बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. इसमें कैपिटल का बैलेंस वो हर साल चेंज होता रहता है, हर साल. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों. बच्चों अंडर दिस मेथड यहां पे तो क्या था, हर पार्टनर के दो दो अकाउंट हमने मेंटेन की थी. यहां पे ऐसा नहीं है. इस मेथड में हर पार्टनर के लिए हम एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट, कोई करंट अकाउंट नहीं, ओनली कैपिटल अकाउंट. अब फॉर्मेट कैसा रहेगा, लगभग बातें यही है, इसी में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं. ये देखो बेटा, एक ही अकाउंट हम मेंटेन करेंगे हर एक पार्टनर के लिए, एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट. अब इसमें देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस. क्राइटेरिया वही है, द आइटम्स विच एनहांस द कैपिटल, विच इंक्रीज द कैपिटल, दोज आइटम्स विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा. एडिशनल कैपिटल लगाइए, कैपिटल बढ़ेगी. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कैपिटल में मर्ज कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी. पार्टनर को सैलरी दे रही है, कैपिटल बढ़ जाएगी. कमीशन दे रही है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रही है. ऑल दीज आइटम्स सेम, वही आइटम है. पहले क्या था, ये सारी आइटम हमने अलग से लिखी थी, अलग से कहां पे, करंट अकाउंट में. अब ऐसा नहीं है, ओनली वन अकाउंट वी विल मेंटेन, कैपिटल अकाउंट. ये सभी आइटम हम कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, कोई अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं है. ऐसी डेबिट साइड बच्चों, कैपिटल विड्रो की है कम हो जाएगी, ड्रॉइंग्स है कैपिटल कम हो जाएगी, ड्रॉइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है या वो लॉस बियर कर रही है, ऑल दीज आइटम्स विल रिड्यूस द कैपिटल. दैट्स व्हाई दीज आर शोन ऑन डेबिट साइड. तो लगभग बातें वही है. लास्ट में जब हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस आता है, लेकिन डेबिट बैलेंस भी आ सकता है. बच्चों दोबारा बता रहा हूं, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि इन दिस मेथड द बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. रीजन आप खुद सोचिए कैसा क्यों. बेटा रीजन दिखाई दे रहा है अगर इस फॉर्मेट को हम देखें.
यहां पर तो क्या था, ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन, लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाइक ड्रॉइंग्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स, वो हमने सारी कहां रिकॉर्ड करी थी, करंट अकाउंट। इसमें ऐसा नहीं है। इन दिस मेथड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स लाइक दिस 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 वन एंड दिस वन, all these transactions are recorded in the capital account itself. और जब ये सारी ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो नेचुरल है कि बैलेंस तो चेंज होएगा, जो ओपनिंग बैलेंस है वो अलग होएगा और क्लोजिंग बैलेंस वो अलग होएगा, बैलेंस हर साल चेंज होएगा क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे हैं, वही क्रेडिट कर रहे हैं, वही डेबिट कर रहे हैं, तो दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लास्ट में जब आप बैलेंस निकालोगे नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस आएगा, लेकिन कई बार इस मेथड में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा प्लस वन में कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्यों हो सकता है, आप देखिए ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, रीजन ये हो सकता है दिस वन। मान लो फर्म में पिछले दो तीन साल से घाटा ही हो रहा है, लॉस हो रहा है, हर साल हम लॉस को बियर करते जा रहे हैं, बियर करते जा रहे हैं, तो हैवी लॉसेस की वजह से समटाइम्स कैपिटल अकाउंट में शो डेबिट बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर। बच्चों एक बार रिवाइज करवा देता हूं, नीचे मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, टोटल चार डिफरेंस मैंने आपको करवाई है। फर्स्ट डिफरेंस चेंज इन कैपिटल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अंडर दिस मेथड balances of partners capital accounts remain fixed throughout the life of the business unless additional capital is invested by the partner or capital is withdrawn by the partner, otherwise fixed rehte hain. Under this method the value, reason already main aapko bata chuka hu. Second difference hai bachcho number of accounts, aapne dekh liya ye method hai har partner ke liye do account hum open karenge, capital account and करंट अकाउंट। अगर ये मेथड है तो पार्टनर के लिए केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होएगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। थर्ड है रिकॉर्डिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स लाइक दिस 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 एंड दिस, ऑल दिस ट्रांजैक्शंस फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ये सारी ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और उसी की वजह से कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है। ओके और लास्ट पॉइंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बच्चों ध्यान से देखना, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, बट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट मे शो डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट मे शो पॉजिटिव बैलेंस एज वेल एज नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को हम पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं और डेबिट बैलेंस को बच्चों कहते हैं नेगेटिव बैलेंस। ओके तो ये था बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चों फॉर्मेट आपने नोटबुक पे बनाना है, दोनों मेथड्स ये डिफरेंस आपने तैयार करनी है, और जो टॉपिक मैंने कल करवाया था जो टॉपिक मैंने आज करवाया है उस सब के पीछे लॉजिक भी रहता है। अभी तो मैंने फॉर्मेट फॉर्मेट बताई है लेकिन इनके पीछे लॉजिक है, ये आइटम्स मैंने यहां लिखी है यहां क्यों नहीं लिखी, ये आइटम्स मैंने यहां लिखी है यहां क्यों नहीं लिखी, डेबिट में है तो क्यों है, क्रेडिट में है तो क्यों है। बच्चों अकाउंटेंसी में हम जो भी कुछ एंट्री करते हैं हर एक के पीछे लॉजिक होता है, तो जो टॉपिक कल किया था जो टॉपिक आज किया है उसके पीछे लॉजिक है जर्नल एंट्रीज, और होपफुली वो जर्नल एंट्रीज हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल एक न्यूमेरिकल भी मैं लूंगा, न्यूमेरिकल की हेल्प से बताऊंगा कैसे बनाते हैं, लॉजिक बताऊंगा जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, और तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।